नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम J7 नेक्स्ट वाटर जेल डैमेज फ़ोन है जो कि आपके सामने है। वाटर डैमेज सेट है, इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है या आपका फ़ोन चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम यदि सॉल्व नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन आज हम बताने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यदि आपको जानना है ये फॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो सबसे पहले आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी डाले आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। आपको ओपन करना है और सबसे पहले आप कनेक्टर चेंज करके देख लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि और कोई फॉल्ट है कि नहीं है। बहुत आराम से आपको ओपन करना है इसका फोन, नहीं तो जबरदस्ती करेंगे और जल्दबाजी करेंगे तो आपका फोन ब्रेक हो सकता है फोल्डर। जूम कर लो। देखिए दोस्तों, इसका चार्जिंग पिन हमने चेंज किया है लेकिन ये फ़ोन हमारा वाटर डैमेज है जिसकी वजह से इसका ट्रैक कट गया है। देखिए दोस्तों, इसका वोल्टेज हम आपको फाइंड करके दिखाते हैं कितना आता है। देखिए दोस्तों, मीटर पे आपका वोल्टेज आ रहा है 5.09 और आप यदि बैटरी के प्लस पे प्रूफ रखते हैं तो कोई इस पर आता नहीं है। देखिए दोस्तों, तो इसका मैंने सॉल्यूशन किया है। ऐसे ही नए नए सॉल्यूशन दोस्तों आप चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियोस जो भी हम सॉल्यूशन करें वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। जम्पर वायर लेना है दोस्तों आपको। देखिए आपका कोई भी फॉल्ट हो, ये सारा जितना कंपोनेंट है ये देख रहे हैं, जितना भी कंपोनेंट है यदि आपका सारा ब्रेक हो जाए, सारा यदि डैमेज हो जाए तो भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। सारा कंपोनेंट यदि ख़राब हो जाए चार्जिंग का आपका, तो भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको कहाँ से क्या जम्पर करना है। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। यहीं से चार्जिंग जम्पर उठा के हमें यहाँ डालना है, लेकिन कहाँ से आप उठाएंगे देखिए। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से जम्पर करना होता है, नहीं तो ये आपका चार्जिंग जम्पर शॉर्ट करने लगेगा। देखिए दोस्तों, हमने जम्पर कर दिया है लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें करना क्या है कि पेपर टेप लगा देना है जगह जगह पे, कहीं से ये आपका जो है शॉर्ट ना करे। देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं।
सबसे पहले आपको ब्रैकेट लगा देना है इसका। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा, चार्जिंग का सिंबल दिखा चुका है। देखिए चार्ज हो रहा है हमारा, देखिए 3% दिखाने लगा हमारा फ़ोन जो कि चार्ज होने लगा। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसका पूरा पैक कर देते हैं फ़ोन। अब पैक करते चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देना है हमको कि ये जम्पर है कहीं से कट ना पाए। अब जो भी स्क्रू, देखिए यहाँ पर स्क्रू जब टाइट करेंगे तो यहाँ पर कट सकता है। हो सके तो आप यहाँ पे टेप लगा दें। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, हमने फ़ोन रिपेयर कर दिया है। अब हमने चार्जिंग लगाया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग पकड़ लिया है, हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा। देखिए जैसा कि दोस्तों आपने देख पाया है कि हमने J7 नेक्स्ट फ़ोन रिपेयर किया है। चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने के बाद भी वोल्टेज जो आपको मिल नहीं रहा था वो वोल्टेज मिलने लगा, हमारा फ़ोन चार्ज हो गया। तो ऐसा ही आप सॉल्यूशन यदि चाहते हैं, नया नया सॉल्यूशन चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो नए नए सॉल्यूशन जो हम डालें फाइंड आउट करके आपके पास बहुत आसानी से पहुंच जाए और आपको ज़्यादा मेहनत ना कर पाए। ज़्यादातर जो बिगिनर्स हैं जो नए मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मेरी वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो बने रहिए, धन्यवाद।